कमल वर्मा डायरेक्टर न्यूरो सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से बात कर रहा हूं आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो बहुत कॉमन बीमारी है और हमेशा हमारे बुजुर्गों में देखने को यूजली मिलती है इस बीमारी को हम बोलते हैं पार्किस डिजीज पार्किसन डिजीज एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग के कुछ खास हिस्से के जो सेल्स हैं वो डिजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं उनके कारण मरीज को क्या प्रॉब्लम होती है उनके हाथ पाँव में कंपन आ जाती है वो हाथ एकदम हर समय कांपते रहते हैं उनका चलना बहुत स्लो हो जाता है उनकी सारी एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो जाती हैं जिसके कारण वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं सीधे चल नहीं पाते हैं तो ये सब लक्षण की वजह से उनका लाइफ जो है बहुत डिसेबल्ड हो जाती है पार्किसन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसका इलाज संभव है दवाइयों से अधिकतर मरीज दवा से ठीक होंगे कुछ ऐसी दवाइयां हैं हम लोगों के पास जो देने से मरीज के सभी लक्षण कंट्रोल हो जाते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो एज नॉर्मल जिंदगी एज वो उस बीमारी से पहले थी उसको जी सकते हैं क्योंकि मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ तो मैं सर्जिकल टेक्निक की ज़रूर बात करूंगा पार्किसन डिजीज़ के बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको या तो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा देनी पड़ती हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं या उनको दवाइयों के बावजूद भी उनके लक्षण जो है सुधर नहीं रहे तो उसमें आजकल हम एक सर्जरी भी कर सकते हैं उस सर्जरी का नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या डी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ऐसी सर्जरी है जिस सर्जरी से पार्किंसन के लाखों मरीज आज अच्छे हो रहे हैं स्वस्थ हो रहे हैं और बहुत से मरीजों की तो दवाई बंद भी हो गई है ये सर्जरी कैसे की जाती है ये सर्जरी सबसे मज़ेदार बात है आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर कि यह सर्जरी करने के समय मरीज पूरी तरह से अवेक होता है जागता हुआ होता है उसको सिर्फ एक लोकल एनेस्थीजिया देकर के एक बहुत छोटा सा होल उसके दिमाग में बना करके सर्जरी की जाती है कैसे कर सकते हैं इतनी इतनी बड़ी सर्जरी इतने छोटे से होल से ये ऐसे कर सकते हैं कि सर्जरी में हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमको एक बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से ब्रेन के उस हिस्से तक पहुंचा देते हैं जो पार्किंसन बीमारी के लिए जिम्मेवार है उस हिस्से में हम कंप्यूटर असिस्टेड जिसको हम स्टीरोटेक्टिक अप्रोच कहते हैं वहाँ पर एक कुछ इलेक्ट्रोड्स डाल करके उस हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं एक मिलीमीटर मिली एमपियर का करंट दे करके स्टिमुलेट किया जाता है जब वो स्टिमुलेट होता है तो वहाँ से वो केमिकल निकलता है जो पार्किंसन में हेल्प करता है और मरीज के लक्षण ठीक हो जाते हैं डीबीएस की सर्जरी क्योंकि मरीज के जगते हुए की जाती है तो सर्जरी के दौरान हमको मालूम पड़ जाता है कि मरीज कोई सर्जरी से फायदा होगा या नहीं फायदा होगा जिन मरीजों को सर्जरी से फायदा नहीं होगा उनमें ये सर्जरी वहीं रोक दी जाएगी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी जब वो मरीज को फायदा होता है तो इस इलेक्ट्रोड को हम उसके स्किन के नीचे परमानेंटली प्लेस कर देते हैं और उसका एक पेसमेकर उसकी लेफ्ट साइड छाती के ऊपर जैसे हार्ट का पेसमेकर डलता है वहाँ लगा देते हैं वो उसको परमानेंटली स्टिमुलेट करता रहता है इलेक्ट्रोड को और कभी ज़रूरत पड़ने पर दस साल के बाद बारह साल के बाद उसी तरह से एक छोटा सा ऑपरेशन करके उसकी बैटरी को चेंज किया जा सकता है और मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि कभी किसी को परिवार में इस तरह की बीमारी है जो कि दवाई से कंट्रोल नहीं हो रही तो इस तरह की सर्जरी आप सबके आसपास में उपलब्ध है बहुत से अस्पतालों में की जाती है इसका लाभ उठाएं